अब आप बताओ इनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इसके पैर मार के इसके बाद इसके बच्चे बच्चे इलाहाबाद पढ़ते हैं, इसके बच्चे दिल्ली मुंबई पढ़ते हैं, इसके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, ठीक हमारे बात क्या कभी हमने सोचा कि ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था पर गौर करने की जरूरत है? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, फिर बीच में क्या हुआ, समय बदला, एक व्यवस्था और आई मार्केट में ही कि बड़े बड़े माल खोले गए, एक उस माल में सारे सामान उपलब्ध हुए, कस्टमर को माल मिला, लेकिन इसकी भी नियत क्या है, कस्टमर के 50% जो है 50% है इसी पे नजर इसकी भी रहे, क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट इसके पास आया माल, कंपनी ने माल बनाया, कंपनी फिर भी 50% में दे रही है और उसने माल को दे दिया, माल भी वही स्थिति कर रहा है इस 50% के पीछे, ठीक। फिर तीसरी व्यवस्था फिर आई, कंपनी फिर माल देती है और बीच में आए क्या, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में भी कस्टमर का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, कुछ फायदा नजर आया। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग से सामान आते हैं उन सामानों की गुणवत्ता कहीं कटे फटे होंगे और फिर रिटर्नेबल नहीं होते हैं। अगर आप कोई चीज ऑनलाइन मंगा लीजिए और आपके पास उसको वापस करना हो तो आप वापस नहीं कर सकते। मुझे याद है हमारे अपलाइन है मनीष तिवारी जी, मनीष तिवारी ने एक बार मिनी लैपटॉप मंगाया था, लैपटॉप मंगाया था, हम लोगों ने बैठ के ऑर्डर किया था, उस समय हम लोग आरसीएम में नहीं, तो एक हफ्ते बाद उनके पास इतने बड़े कार्टून में पैक होके आए, 7,500 रुपये उन्होंने पेमेंट किया और जब खोला तो उसके अंदर 300 छोटी छोटी किताबें थी। अब क्या करें, फोन लगाया, सब कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, अंत में उसको फेंक दिया, कोई पैसा नहीं, वो पैसा डूब गया, ठीक। फिर व्यवस्था ये हुई, अब जो व्यवस्था हुई ये हुई डायरेक्ट सेल की, जो कंपनी है और कस्टमर, इससे भी कस्टमर को कोई फायदा नहीं है, इससे भी 2 रुपए कस्टमर को मिलने वाला नहीं है। दिन भर आप लोग प्रचार करते हैं, साल अच्छा है, बोले दीदी कहाँ से लिए, बोले संतलाल के यहाँ से, ठीक। आप जाती है संतलाल के यहाँ से, बताती है कि मुझे सुमन तिवारी जी ने भेजा है या मंजुला जी ने भेजा है, तो क्या आपको सस्ता दे देगा? इस कस्टमर के जीवन